कहानी की शुरुआत होती है मिड 1980s से, जब गेट इन्फो सर्विसेज नाम की कंपनी, जिसको आप येलो पेजेस के नाम से भी जानते होंगे, वो चलन में चलती थी। उस जमाने में डिजिटल ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट नहीं हुआ था, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, आप गूगल पे एकदम सर्च नहीं मार सकते थे। तो एक डायरी होती थी जहाँ पे सारे के सारे लोगों के नंबर लिखे होते थे, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको किसी भी टाइप के बिजनेस का नंबर चाहिए, आप उस डायरी को खोलो और वहाँ पे नंबर आ जाते। अगर आपको याद है आपके टाइम पे आपने ये डायरेक्टरियाँ यूज़ करी है, तो अभी लाइक करो उस वीडियो को और कमेंट में बताओ आपने किया है। अब जैसे डिजिटल एरा आई, डिजिटलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, गूगल आ गया, ये सब कुछ आ गया, अब सारे बिजनेस को डिजिटल होना था, सारे बिजनेस को डिजिटल आना था। तो यहाँ पे एक और नई चीज़ चलन में आ गई, वो थी डिजिटल कैटलॉग्स, मतलब इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, ऐसे बहुत सारी साइटें हैं, ये सारे के सारे ऑनलाइन क्लासीफाइड सी कैटेगरी में आने शुरू हो गए। अब नेटवर्क 18, जिसका नाम सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर कंपनी है, उन्होंने एक चीज शुरू करी, उसको कहा गया आसमी, वहां पे उन्होंने अपना खुद का क्लासिफाइड बनाया। अब वहां पे उन्होंने सारे बिजनेस को रजिस्टर करना शुरू किया। 2010 तक ये 50 से ज्यादा सिटीज के अंदर फैल चुके थे। अब इनका बड़ा प्लान था, हम अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे। अब ऑनलाइन पोर्टल का मतलब क्या था, ये ऑनलाइन पोर्टल नॉर्मल ऑनलाइन पोर्टल की तरह नहीं था, यहाँ पे क्या था, इनके पास सारे के सारे लोगों की डायरेक्टरीज है, यहाँ पे सारे के सारे लोगों का डेटा है, उन सबको अपने पोर्टफोलियो पे लेके आना है और उन सबको कहना है कि आपकी ऑनलाइन शॉप बन गई। तो उसके ऊपर उन्होंने धीरे धीरे बैकएंड का काम करना शुरू कर दिया। 2013 के अंदर एस्ट्रो होल्डिंग नाम की कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्वायर कर लेती है। अब नेटवर्क 18 से वो कंपनी उनकी हो जाती है और ये एक ग्रुप का नाम लॉन्च करते हैं, asmibazaar.com। अब आसमी बाजार क्या करेगा, सब कुछ बेचेगा, दुनिया के सारे बंदे, जितने भी लोग येलो पेजेस पे लिस्टेड है, वो सारे के सारे हमारे पे लिस्टेड रहेंगे और उनके सारे प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे। अगर मैं 2014 की बात करके चलूं तो 2014 में फंडिंग लेना बहुत आसान था। अब फ्लिपकार्ट को लेकर चलो, फ्लिपकार्ट को कितनी फंडिंग मिलती 2014 के अंदर, तो इंडियन कल्चर ऐसा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे पैसे उठाने शुरू करे मार्केट से और अपने आप को एक्सपैंड करने गए, सोच के कि हम बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएंगे, और सब कुछ सही चलता तो ये बन भी जाते। अब इन्होंने अपने आप को हर डायरेक्शन में ग्रो करने के ऊपर लग गए। अब अलग अलग सिटीज के अंदर जा रहे थे, अपनी सिटीज बढ़ा रहे थे, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे थे, सब कुछ बढ़ा रहे थे। इनके जो CEO थे वो कहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल एकदम अलग है, लोग मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे वेंडर हमारे पे रजिस्टर होगा और वो बेचेगा, या फिर कई लोग क्लासिफाइड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हम एकदम अलग है। मई 2015 को इन्होंने बेस्ट एट लोएस्ट को एक्वायर कर लिया $10 million के अंदर। अब वो था ग्रोसरी वाली कंपनी। अब उसको एक्वायर करने के बाद इन्होंने निकाला आसमी ग्रोसरीज और बहुत दवा के ऐड करी, रणबीर कपूर, वनबीर कपूर सबको उठा लाए और ऐड ही ऐड चल रही थी। अब ये आइडिया क्या था जो कि प्रॉफिटेबल हो सकता था। अब इन्होंने जब कंपनी का एक्वायर किया, कंपनी कैसे ऑपरेट करती थी, उन्होंने अपने हब्स बना रखे थे। अब जैसे कि मान के चलो आप जिस भी इलाके के अंदर रहते हो, वहां पे 10 पॉपुलर ग्रोसरीज वाले हैं। अब उन्होंने 10 ग्रोसरीज वालों को एक हब दे दिया, मतलब एक स्टेशन है जहां से 10 ग्रोसरी वाले जुड़े हुए। ऐसे हर जगह पे अलग अलग हब बना रखे हैं। अब जैसे ही मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आता है, मान के चलते हैं मैं रोहिणी के अंदर रहता हूं, मैं सेक्टर 11 के अंदर रहता हूं, इस चीज को कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो सारा का सारा ऑर्डर चला गया मेरे हब के ऊपर। अब जो भी रोहिणी सेक्टर 11 का हब होगा, वहां पे ऑर्डर जाएगा कि भाई ये चीज बंदे को चाहिए। अब उसके पास में जो भी ग्रोसरी वाला होगा, उस तक ऑर्डर चला जाएगा, ग्रोसरी वाला मेरे पे डिलीवर कर देगा, हम उसके बीच में एक मार्जिन खाएंगे छोटा सा। अब इसके अंदर एक और एडवांटेज थी, इसमें कैपिटल नहीं लगेगी, कैपिटल इंटेंसिव काम नहीं है, ये ऑपरेशन इंटेंसिव काम है, मतलब आपकी टीम को काम करना पड़ेगा। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ये नहीं है कि करोड़ों रुपए डाल दो तब जाके रिटर्न आएगी, नहीं, आप मेहनत करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। कुछ ही महीने, मतलब अगस्त 2015 के अंदर इन्होंने मेबल कार्ट के अंदर $20 million इन्वेस्ट कर दिए। अब मेबल कार्ट फर्नीचर का काम करता था,
तो बेसिकली ग्रोसरी के अंदर भी घुस गए हम, अब फर्नीचर के अंदर भी घुस गए विद इन 2 मंथ्स। अब जो कंपनी जस्ट डायल से कंपीट करने चली थी वो फ्लिपकार्ट से भी कंपीट कर रही थी और साथ में ग्रोसरी वाले जितने भी बंदे थे उनसे भी कंपीट कर रही थी। कंपनी ने इसके बीच में भी 5-6 अलग अलग बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम किया, पर वहां से कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो उन्होंने उसको शट डाउन कर दिया। अब ये B2B काम भी कर रहे थे, B2C काम भी कर रहे थे। 2.5 लाख से ज्यादा बिजनेस वालों के इन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स बना दिए थे जो कि फ्लिपकार्ट और Amazon वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मार्केट प्लेस था पर वहां पे ऐसा, मैं अगर कोई दुकानदार हूं तो मेरे को कोई पहचान नहीं थी, मेरे को वहां छोटा सा नाम मिलता था, मैं अपना प्रोडक्ट तो लिस्ट कर सकता था, पहले मेरी दुकान लिस्ट नहीं होती थी, वो अपनी दुकान लिस्ट भी करा सकते थे वहां पे। 6 लाख से ज्यादा मंथली ऑर्डर्स आ रहे थे इनके उस टाइम पे और एवरेज जो टिकट साइज था वो था 1000 रुपए का, ऐसा उनके CEO ने रिपोर्ट के अंदर बताया। एक चीज की प्रॉब्लम जो कि मुझे लगी और जो कि आपको भी लगी होगी अगर आपने आसमी की बाजार की ऐप वैप या फिर वेबसाइट यूज करी होगी, उनका ना UI UX अच्छा नहीं था। अब क्यों नहीं था, क्योंकि उनका टेक सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था, उनकी टेक टीम उतनी अच्छी नहीं थी। आगे बताऊंगा डिटेल के अंदर कि क्या क्या उनकी मैनेजमेंट में पंगे थे, क्या क्या उनकी कंपनी के अंदर पंगे थे, जिस चक्कर में इतना अच्छा मॉडल अभी तक तो आपको अच्छा लग रहा है ना कि भाई सारी चीजें सही तो चल रही है, अभी आगे जाके जब आपको पता लगेगा क्या क्या कांड किए उन्होंने तब आपको पता लगेगा क्यों फेल हुई ये कंपनी। जो इनकी पेरेंट कंपनी थी गेट इट इन्फो सर्विसेज, उसका रिवेन्यू इस टाइम के अंदर जब से वो उन्होंने एक्वायर किया था और जब तक यहां पहुंचे उनका रिवेन्यू 2 टाइम्स तक हो गया था। पर इसके पीछे एक सोचने वाली बात थी, उनके एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए थे, उनके लॉसेस 6 टाइम्स तक बढ़ गए थे। अप्रैल 2016 के अंदर एक फर्नीचर मेकर कंपनी ने एलिगेट किया इनकी जो फर्नीचर वाली वर्टिकल थी कि भाई ये मेरे पैसे ही नहीं दे रहे और साथ के साथ मेरे प्रोडक्ट के फ्रॉड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अपने पोर्टल के ऊपर। जो इनकी टॉप मैनेजमेंट थी उसके अंदर मार्केटिंग और सेल्स के ही बंदे थे। इनके CEO की मैंने कहीं पर पढ़ा कि पहले 6 महीने तो इनको ये भी नहीं पता था कि इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा और किस तरीके से पैसा कमाएंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि हमको कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहिए इतना पैसा लगा के शुरू करना चाहिए कि भाई पता ही लगे पैसे कैसे कमाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी टॉप मैनेजमेंट के अंदर, टेक सपोर्ट के नाम की कोई चीज, टेक्निकल बंदा कोई भी नहीं था। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई मार्केटिंग वाला बंदा भी जो टेक्निकल हो सकता है अगर वो सीखना चाहे ग्रो करना चाहे, पर देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से होता हूं तो मेरे पास बहुत सारे नो हाउस होते हैं जो कि मुझे पहले से ही पता होते हैं। अब मुझे हिट एंड ट्राई करके या लर्निंग कर्व में नहीं जाना होता, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, बस एक के बाद एक एक्वायर करी जा रही है। और अगर यहाँ पे अगर टेक का बंदा होता तो वो वेबसाइट को इम्प्रूव करवा सकता था, वेबसाइट का UI UX इम्प्रूव करा सकता था, जितने इनके ऑपरेशन है उसको टेक्निकल कर सकता था। एक जगह पर मैंने पढ़ा कि ये सारी की सारी चीज़ों के लिए एक्सेल यूज कर रहे थे, मतलब आपने ऑर्डर किया और जो काम आ रहा है उनका जो बैकएंड पे काम चल रहा है उसके लिए एक्सेल चल रहा है, उसके लिए कोई CRM नहीं बन रहा, उसके लिए कोई ऑटोमेशन नहीं हो पा रहा, जिसके चक्कर में सारा का सारा प्रोसेस था वो स्लो हो गया। मतलब अभी आपने ऑर्डर किया और उसमें कोई प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रोडक्ट को वापसी कराया, आपका रिफंड आने में आपको 1 महीना लग रहा है। अब अगर किसी कंपनी से आपका ऐसा होगा तो उस कंपनी से आपका ट्रस्ट छूट जाएगा, तो यहां से उनके कस्टमर्स भी डाउनफॉल में आने शुरू हुए। साथ के साथ वेंडर्स, मैंने एक वेंडर का पढ़ा, उसने 2 बंदे रजिस्टर करा रखे थे, उनकी 2 कंपनियां थी, तो एक कंपनी थी उनकी ज्वेलरी की, एक थी कुछ XY चीज की, तो उन्होंने सेम अकाउंट पे उसको रजिस्टर कराया। अब प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ज्वेलरी वाले तो पैसे आ रहे हैं, दूसरी कंपनी के पैसे नहीं आ रहे, उन्होंने मेल डाला तो उनको पता लगता है कि भाई आपके अकाउंट डिटेल अलग है। उन्होंने कहा दोनों में तो मैंने एक ही डाल रखी है, गलत कैसे हो सकती है। अब बहुत कुछ करने के बाद इनकी एग्री हुआ था 7% कमीशन के अंदर और इनको 15% कमीशन काट के दी। अब इन्होंने कहा भाई ये क्या मतलब है, अब कुछ कर नहीं सकते, इस चक्कर में इन्होंने वहां से काम करना छोड़ दिया। तो वेंडर्स भी टूट रहे थे और साथ के साथ कस्टमर भी छोड़ के जा रहे थे। एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी ने भी यही बोला कि भाई मेरे 3-4 महीने की पेमेंट ही नहीं आई है, मतलब जो बंदा डिलीवर कर रहा था उससे भी पंगा डाल दिया। तो मतलब बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर 3 ही एसेंशियल पार्ट है, एक है कस्टमर, एक है सेलर और एक है जो उनको दोनों को ट्रांसपोर्ट में करेगा। आपने तीनों से पंगे डाल दिए। साथ के साथ जितने भी इनकी टॉप मैनेजमेंट थी उसके अंदर मिसमैनेजमेंट चल रही थी, इतना तेजी से पैसा खर्च करने के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि भाई इसको भी एक्वायर कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है ग्रो करना कोई गलत नहीं है, अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमको क्या करना है, हमको पहले एक मॉडल को तैयार करना है 100% ऑटोमेशन पर जब आए तब हम आगे जाएं।
यहां पे उनका पहला बिजनेस मॉडल तो प्रॉफिटेबल नहीं आ रहा, पहला बिजनेस मॉडल में तो कस्टमर ढंग से रिटेन नहीं हो पा रहे, अब दूसरी चीज के ऊपर घुसे जा रहे हो, नहीं उसके बाद वो भी नहीं हो पा रही, अब तीसरी चीज के ऊपर घुस जाते हो, वो नहीं होती, अब चौथी चीज के ऊपर घुस जाते हो, ये बस भटके जा रहे थे। इस चक्कर में बहुत पंगा हो रहा था। अब खबर आती है इन्होंने अपने 600 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, मार्केट के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सबके ऊपर इनके रिज्यूमेस जा रहे थे। अब सारे के सारे जो इनके एम्प्लॉइज निकले थे वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करना चाहते थे। अब जून 2016 के अंदर खबर आती है कि एस्ट्रो होल्डिंग जो कि आसमी का जो माय बाप था, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, 95% स्टेक रखता था, कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो इंडिया से जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी के सारे निकाल रहा है, और उसने आसमी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट को कहा है कि भाई आपको अगर मेरे शेयर खरीदने खरीद लो, जहां बेचने हैं बेच दो और जो करना है कर लो। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन कहे जा रहे थे कि गवर्नमेंट की चक्कर में निकल रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि भाई बहुत पैसा इन्वेस्ट हो गया और वहां से रिटर्न नहीं आ रहा इसलिए हो रहा है, एस्ट्रो होल्डिंग और ज्यादा इस कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहता। अब इसकी टॉप मैनेजमेंट अपने जो 95% जो शेयर थे एस्ट्रो होल्डिंग वाले वो बेचने के लिए किसी और कंपनी के पास घूम रही थी, और खबरें ये भी आई कि भाई ये अलीबाबा के पास गए कि भाई हमको खरीद लो, प्लीज खरीद लो। 5 अगस्त को इनकी टॉप मैनेजमेंट आके कहती है मीडिया के अंदर कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं है अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हमको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। साथ के साथ पिछले 2-2.5 महीने से बहुत सारे एम्प्लॉयज की जो कि इनके काम कर रहे थे उनके पैसे नहीं मिल रहे थे, उनकी सैलरियां नहीं मिल रही थी। अब 9 अगस्त को उनका सैलरी डिपार्टमेंट मेल कर देता सारे एम्प्लॉयज को कि भाई हम आपकी सैलरी नहीं दे सकते, ये सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये बंदा है, ये उसका नंबर है, ये फलाना ढमकाना है, आप इनसे कांटेक्ट करो, ये एस्ट्रो होल्डिंग के अंदर काम करते हैं और ये आपके पैसे देंगे, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हमको एस्ट्रो होल्डिंग से पैसे लेने थे, उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए इसलिए हम आपको रीपे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक खबर और आ रही थी कि भाई जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 95% तो एस्ट्रो के पास था, 5% इनके पास था, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कह रहे थे कि हमको बिजनेस को इस तरीके से लेके जाना है, हमको बिजनेस के अंदर ये चेंजेस लाने हैं, इसके अंदर लाना है। एस्ट्रो के पास 95% शेयर थे, मतलब मालिक वही था, जो वो कहेगा वही होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा, और यहां से पंगे चल रहे थे, इस चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। खबरें ऐसी भी आई थी मार्केट के अंदर। अब 19 अगस्त को आसमी बाजार या आसमी ग्रुप का पूरा जितना भी चैनल था वो सब पे लग जाता है ताला। 4,000 के आसपास एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं मिलती और उनको अनएम्प्लॉयड छोड़ दिया जाता है मार्केट के अंदर। साथ के साथ हजारों की तादाद में ऐसे बिजनेस वाले थे जिसके बारे में किसी बात नहीं करी, वो बेचारे जिन्होंने उधार पे माल दे रखा था, ई कॉमर्स में उधार पे देना पड़ता है ना, आप ऑर्डर तो करते हो अभी प्री पे करके, अब अमेजोन वाला जिस बंदे ने लिया होता है ना, जिस बंदे ने आपको दिया होता है, जो सेलर होता है उसको हफ्ते के बाद पैसा देता है, कई कई जगहों के ऊपर ये पेमेंट टर्म्स ज़्यादा भी होती है, 15-15, 20-20 दिन की भी होती है। तो वो बेचारे जितने भी बंदे थे जिन्होंने माल दे रखा था वो करोड़ों रुपया कंपनी ने खा लिया, उन बेचारों का इतना पैसा डूब गया। इसी चक्कर में ट्रस्ट नहीं हो रहा था कुछ टाइम तक, जब आपको पता होगा मैं मार्केटिंग हेड था ई कॉमर्स के अंदर, तो जब हम जाते थे ना वेंडर से बात करने के लिए तो हमको पता लगता था उनमें ट्रस्ट ही नहीं आ रहा काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आसमी ग्रुप वाले कितने फ्रॉडिये थे, उन्होंने लाखों रुपया नुकसान कर दिया आसमी ग्रुप के अंदर। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक सिंगल इन्वेस्टर के ऊपर ये रिलाय कर रहे थे। सिंगल इन्वेस्टर का मतलब अगर एक ही बंदे से पैसे लेके जीना है और अगर उस बंदे ने मना कर दिया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। अगर इसकी जगह हमारे पास 3-4-5 अलग अलग इन्वेस्टर होते या फिर हमने अपनी इक्विटी को इतना डिसॉल्व नहीं किया होता तो शायद हम अभी भी मरते नहीं, शायद अभी भी हम जुड़े रहते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यार मुझे फंडिंग वाले लोचे उतने नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास अपना बिजनेस आइडिया है उसको ग्रो कर सकते हो तो धीरे-धीरे बूटस्ट्रैप करके धीरे-धीरे ग्रो करो। अगर आपको लगता है आपका प्रॉफिटेबल है, आप बहुत मार्जिन कर सकते हो तो लोन ले लो, लोन मिलता है मार्केट के अंदर, डेट रेस कर लो। अगर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो फंडिंग रेस करो, पर अपने हाथ में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग्स रखो, क्योंकि वो बिजनेस आइडिया आपका है, आपने उसके बारे में सोचा था, आपसे बेहतर उस बिजनेस आइडिया के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। आपने चंद पैसों के चक्कर में वो आइडिया का मालिक किसी और को बना दिया क्योंकि आपने सोचा पैसा आएगा मैं करूंगा, और अल्टीमेटली फिर उसके हाथ में कंट्रोल है, जैसे वो कहेगा आपको कठपुतली जरा खेलना पड़ेगा। एक इनकी प्रॉब्लम और कहूंगा वो थी इनकी बर्न रेट, बहुत तेजी से पैसा फूके जा रहे थे, मतलब पैसा आया जा रहा है, हम नई चीज एक्वायर किए जा रहे हैं, आया जा रहा है, हम ये करे जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस को अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस मॉडल को अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो मेरे कस्टमर है उनको रिपीट लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं नए कस्टमर्स बनाए जा रहा हूं और नए नए वर्टिकल्स में घुसे जा रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, एक कस्टमर को रिटेन करना बहुत आसान होता है इन स्पाइट ऑफ नए कस्टमर को एक्वायर करने से,
नए कस्टमर को अक्वायर करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, पर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको रिटेन करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। साथ के साथ सबसे बड़ा फेलियर का रीजन जो मैं कहूंगा वो है इनकी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अगर कोई टेक वाला बंदा होता, कोई ऐसा बंदा होता जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता, तो वो बेटर कर पाता। अब यहां से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जितनी इन्होंने गलतियां करी हमको ये सारी गलतियां नहीं करनी अपने बिजनेस के अंदर। अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं, तो यहां से फिर सीखने की मिल रही है। ऐसे बिजनेस के अंदर काम करो, पैसा मिलता है स्टार्टअप के अंदर काम करने में, पर आपको अगर पहले ही पता लग जाए कि ये कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है तो आप पहले निकल सकते हो ना। फिर आपकी वो 3-4 महीने की जो बेचारों की सैलरी है मरी, वो नहीं मरेगी, और साथ के साथ आप बाहर नौकरी ढूंढ सकते हो पहले ही। अब देखो कैसे पता लगता है, जब कोई कंपनी बंद होने वाली होती है ना तो वहां पे सैलरी लेट आनी शुरू हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी कंपनियां लाइव देखी है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, आपकी सैलरी आनी शुरू होगी 5 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 1 महीना डिले। ऐसे धीरे धीरे करते हो डिले डिले कर करके 3 महीने का 2 महीने का गैप बनाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगी कंपनी। अब यहां पे हमको जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। वो कंपनी एकदम बर्न रेट पे काम ना कर रही हो कि मतलब फंडिंग आए जा रही है और उड़ाए जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं, उनको पता ही नहीं है प्रॉफिट कैसे करेंगे, उनको कुछ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में पता ही नहीं है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, ऐसी कंपनियों में काम ही मत करो। अब यहां पे जितने माइनॉरिटी शेयर होल्डर वर्सेस एस्ट्रो के बीच में बहुत पंगा हुआ, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमको पैसे पूरे नहीं दिए, वो कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने पूरे पैसे दे दिए, उन्होंने इसका ऑडिट करा दिया। आसमी ग्रुप वाले एस्ट्रो को कह रहे हैं कि इनको इंडिया मत छोड़ने दो, वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर जाके कह रहे हैं कि भाई इसको रोक के रखो। बहुत सारे बवाल हुए उसके ऊपर, बात करने कोई तुक नहीं बनता कि हुआ क्या, ये लड़ाई झगड़े क्या हुए, रिजल्ट क्या निकला। मेन मुद्दे की बात है इस पूरी की पूरी बिजनेस स्टडी से हम क्या क्या नई चीजें सीख सकते हैं और इन गलतियों को रिपीट ना करें। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो नीचे पूछ लेना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।